हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। लेकिन मैं अपनी यूथ से आज कहना चाहता हूं, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में। मैं तो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा। मैं निकलूंगा अपनी कौम के अंदर। मेरी तो कोई बाप पॉलिटिक्स में नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मैं पॉलिटिकल फैमिली से था नहीं। मैंने तो शुरू की अवाम के अंदर निकल के। 14 साल मजाक उड़ता रहा, थोड़े से लोग थे मेरे साथ, और करते करते अल्लाह का करम है कि एक दिन अल्लाह ने अवाम के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। पब्लिक नहीं मुझे लेके आए हैं, पब्लिक के साथ ही मैंने आना है। मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया, और अवाम के पास मैंने कहा लोगों के पास जाता कि इलेक्शन करवाएं, फैसला कर लें, इलेक्शन से इलेक्ट करें लोगों को। बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कल मैं जलसे में गया और वहाँ क्या हुआ भाई, लिस्ट तैयार है, बताता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उधर गए, वॉक करते हुए जा रहे थे, कुछ आवाम मुझे नज़र आई, तो मुझे लगा कि शायद आवाम यार कम आएंगे एज़ कम्पेयर टू आप पिशावर को देखोगे ना, तो मुझे लगा बंदे कम होंगे। इसलिए वहाँ मैं अंदर एंटर हुआ, पता चला कि आवाम कितनी है। वहाँ आके सिक्योरिटी वालों ने मुझे रोक लिया, मुझे कहा कि फैमिली अलाउ है। वहाँ फिर कॉल मिलाई, आधा घंटा मैं वहाँ बैठ के पसीने मैंने बहाए, फिर मैं अंदर गया। अंदर जाते ही मुझे पता चला कि आवाम कितनी। वो स्क्रीन इसलिए आती है कि उसके पास अल्लाह अकबर और चश्मे गाली लेके आएंगे। जलसे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जितने भी हिस्ट्री में हुए थे। बागे जिना ग्राउंड कितना बड़ा है, और आप सब जानते हैं जितनी भी पार्टीज वहाँ जलसा करती है तो वहाँ मिड से लगाते हैं ताकि जो ग्राउंड है वो भर जाए। स्टेज हमारा बिल्कुल शुरू से था और पूरा ग्राउंड तो भरा, उसके साथ साथ जो रोड थी, उसके साथ साथ जितना भी पीछे का बैकयार्ड था सब भर गया। से हम लोग पहुंचे, आवाम बहुत है। अब हम पता तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे। कोई चैनल की तरफ से ड्रोन उड़ रहा था, वो ड्रोन नीचे उसने करके सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए नीचे करा, वो ड्रोन उसके हाथ में आ गया आवाम के, और आवाम ड्रोन पकड़ के सेल्फी ले रही है, मतलब चेक कर रहे हैं आवाम को। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, सही था, सारी चीजें उन्होंने मैनेज करी हुई थी। अंदर जो थे वो वॉलंटियर्स काम कर रहे थे और पुलिस वाले भी थे। स्टार्टिंग में 4 से 5 लाख थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 10 लाख बंदे का हुजूम कोई भी नहीं संभाल सकता। तो इन लोगों ने एक चीज़ गलत करी, क्योंकि इमरान खान ने भी कहा था कि वहाँ आप लोग पैनिक ना करें, पैनिक नहीं करिएगा। तो आवाम ने वो जो ग्रिल लगी हुई थी उस ग्रिल को तोड़ दिया। तो मेरे दोस्तों, आपको पता है ये अच्छा आगे बढ़ते हैं। कैप्टन जमील मैं
जितनी भी प्यारी प्यारी लड़कियां थी वो सारी आगे वीआईपी जोन और आगे बैठे हुए थे फैमिली जोन में। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, फैमिली जोन अलग किया था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लोग फीमेल्स को एक जगह नहीं करते तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता सारे। अच्छा एक मजे की चीज बताता हूँ कि जब वो टावर गिर रहा था ना तो मैं फुटेज बना रहा था, तो मैंने ये सोचा कि यार वो लोग मुसीबत में, मेरे अंदर का ज़मीर जाग गया ना, तो मैंने कहा यार बंद कर देता हूँ अभी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कैमरा रखा भाई, जैसे ही मैंने बंद किया वो गिर गया। उस दिन क्या हुआ? सुने सुने सुने, ठीक हो गया वो। 2008 में भी जो आज के सदर है उन्होंने खान साहब से पूछा कि आप ईस्ट को मशरिक और मगरिब दोनों को अच्छी तरह समझते हैं, हम आपकी क्या मदद करें? पहले कंटेनर से उतरे, उधर कंटेनर से उधर देखो, उधर से कंटेनर से, ये जो सिक्योरिटी का ऑर्डर है इसको हटाए सबको यहाँ से। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है।
सब तो जाने लगा है।